रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री के अंदर मिला मजदूर का शव। फैक्ट्री में मजदूर का शव मिलने से मचा हड़कंप। सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिवलहा गांव का रहने वाला था मृतक मजदूर। पीड़ित परिजनों ने हत्या करने का लगाया आरोप। मिल रिया थाना क्षेत्र के कान्हा फैक्ट्री की घटना। क्या नाम भैया आपका? राजेश बहादुर सिंह, कहाँ के रहने ग्राम वाले? सैदापुर, थाना सरेनी, पोस्ट शुलहा, जिला रायबरेली। क्या हुआ है, कैसे घटना हुई है? ये सुबह 8 बजे फ़ोन पहुंचा हमारे घर। फ़ोन पहुंचने के बाद यहां से सूचना ये मिल दे रहे हैं कि रण बहादुर सिंह, ये हमारे चाचा जिनका नाम रण बहादुर सिंह है, बोले कि रण बहादुर सिंह कमरा बंद किए हुए हैं। उनको हमारे लेबर जगाने गए तो उठ नहीं रहे, वो अंदर से सीटिंग ने बंद की हुई। तो हम पुलिस को बुला के हम दरवाज़ा तोड़वाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन 2 मिनट बाद फिर फ़ोन आ रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई। हम कहा उनको छूना नहीं, ऐसे पड़े रहने देना, हम लोग आ रहे हैं। 1 घंटे के अंदर हम लोग आ गए। आने के बाद यहाँ मोर्चरी लाश भेज दिए। ये घटना कहाँ पे हुई थी? ये हुई है आपके ये कफना फ्लोर मिल में हुई है, कमरे के अंदर, जो लेबर कमरा था उसी कमरे के अंदर। कौन से थाना में? ये थाना मिलेरिया पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद जब वहाँ पर हम लोग कमरे में गए तो कमरा टूटा भी नहीं था। यहाँ बोल रहे हैं कि कमरा तोड़ के निकाला गया, लेकिन हम लोग अभी मौके पर गए तो वहाँ कमरा नहीं टूटा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कैसे हत्या? उनका मर्डर किया गया है सर, उनका कंपनी मालिक ने मर्डर करवा दिया है। क्या कोई पुरानी रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी। ये साल में अभी 2.5 साल पहले एक और केस कराया है, 3 मंजिल से लड़के को फेंकवा दिया है, उसके लिए हम यहाँ पर आए थे। आने के बाद हमने उनसे ये कहा कि इंदिरा गांधी जेल गई, आप कौन बड़ी चीज़ है? तो उस पर उन्होंने कुछ मतलब वो रखा कि भाई इलाज कराएंगे, हाथ पैर जोड़ने लगे। तो जो वो थे मामा पक्ष में, उन लोगों ने कहा है कि कुल मिला के इसमें कुछ हमको बख्शो। तो ये हुआ कि आप इलाज करवा दीजिए, आपको हम बख्श दे। दूसरा केस है ये। तो क्या इसकी शिकायत थाने पे की? थाने भी तो अभी नहीं की हम लोगों ने। पुलिस आई थी मौके पे? तो पुलिस से हम बात कर रहे हैं ना, पुलिस का फोन हमारे में आया। तो पुलिस से हमने कहा कि आप बिना मतलब कि पंचनामा के आप लाश कैसे मर्चुरी भेज दिए? आप घर का कोई सदस्य भी नहीं? और फोन पर बात हुई, फोन पर बात हुई, उसके बाद ये लाया। तो हमने कहा आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, हैं? कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि घर के आदमी को फोन किया जाए और करने के बाद ये टाइम दिया जाए, उसके पहले जो उनको उठा के मर्चुरी में तो भेज दो। आप पंचनामा यहाँ लिखाने की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट का कंडीशन ये देखो। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मिल मालिक जेल भेजा जाए, इसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, और इस बयान के आधार पर पुलिस से भी आख्या मांगी जाए कि किस बेस पर आप मिर्चुरी लेकर गए लाश, बिना घर के आदमी, बिना गार्जियन के आप कैसे लेकर चले गए। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।